नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सीडी के लिए निकाली रिक्तियां। 12वीं पास नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सीडी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी ने यह नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2020 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया है। इसी के साथ ही एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सीडी परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए गए हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सीडी की भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी 4 नवंबर 2020 तक आयोग वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम 12वीं पास या उसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है। बांका जिले के पर्यटन स्थल में ज्येष्ठ गौरवनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। एक शिव मंदिर है जो चांदन नदी के पश्चिमी में एक पहाड़ी पर स्थित है। अक्सर शिवरात्रि को यहां मेले का आयोजन होता है। रजौन प्रखंड के रूपसा गांव में काली मंदिर और मां दुर्गा की प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा चितेश्वर नाथ मंदिर चुटिया ग्राम में है। यहां एक गुफा है और पत्थरों पर रथ के पहिए के निशान भी दिखने को मिलते हैं। माना जाता है कि यहां पर कभी प्राचीन समय में युद्ध हुआ था। दरभंगा के एक मोहल्ले में नेताओं का प्रवेश हुआ वर्जित। गांधीनगर कटरहिया मोहल्ले के लोगों ने नेताओं को इलाकों में प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इस मामले को लेकर लोगों ने मोहल्ले के मुख्य द्वार के पास बैनर पोस्टर लगाकर नेताओं को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया है। पिछले 20 साल में जल जमाव की समस्या को झेलते हुए लोगों का सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। लोगों ने तो इस बार वोट भी बहिष्कार करने का निर्णय कर लिया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि यहां की पार्टियों और नेताओं ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। 10 साल पहले शिलान्यास हो चुका है। नाले का निर्माण अब तक सिर्फ 250 के करीब किया गया है, मगर नाले के कार्य गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल में भी बनकर तैयार नहीं होगा। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1152 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,04,212 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो इसमें अररिया में 72, अरवल में 5, औरंगाबाद में 27, बांका में 12, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 62, भोजपुर में 18, बक्सर में 4, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 47, गया में 12, गोपालगंज में 27, जमुई में 11, जहानाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 33, खगड़िया में 6, किशनगंज में 21, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 26, मधुबनी में 37, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 29, नवादा में 11, पटना में 316, पूर्णिया में 69, रोहतास में 32, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 4, सारण में 36, शेखपुरा में 13, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 15, सुपौल में 11, वैशाली में 28, पश्चिम चंपारण में 15। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,92,594 मरीज ठीक चुके हैं। वहीं 996 लोगों की जान जा चुकी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंद्रवती देवी की। चंद्रवती देवी का जन्म 19 अक्टूबर 1909 को बिहार के एक जिले में हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो हिंदी में बंगाली सिनेमा के रूप में दिखाई दी। वहीं 1935 के पंथ क्लासिक देवदास में चंद्रमुखी के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। 1929 की मूक फिल्म प्यारी में चंद्रवती देवी ने अपनी फिल्म डेब्यू की शुरुआत की थी और देवकी बोस की संस्कारी क्लासिक मीराबाई में मीरा की भूमिका के बाद उन्हें स्टारडम के लिए मना लिया गया। अमी रत्न, प्राण ठाकुर, रामकृष्ण, रोडन भरा संता, काहिनर, काहिनी, अग्नि भमर, अमी मिराज बेगम, विज्ञान ओ विधाता, छिन्न पात्र, नया मिशील, जीवन, जिज्ञासा, अटार, दिन पारे, फरियाद जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने नीतीश के ही मुख्यमंत्री होने की दोहराई बात। चिराग पासवान के बगावती रवैये के बाद भाजपा और जदयू में भी खींचतान की परिस्थिति देखने को मिल रही थी। हालांकि भाजपा लगातार अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही है। इसी क्रम में रविवार को भाजपा ने एक बार फिर से साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव में लोजपा एनडीए के सहयोगी नहीं है। भूपेंद्र यादव ने पटना के विभिन्न दलों से आए नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। मिलन समारोह में रालोसपा को करारा झटका भी लगा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी अरुण कुशवाहा निराला सभा के तमाम पदों में त्याग पत्र देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं मौके पर मौजूद भूपेंद्र यादव ने इस मामले में बिल्कुल साफ कर दिया है कि लोजपा हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं। हम चिराग पासवान को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भाजपा जदयू दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी वही होंगे।
चिराग ने भाजपा से कहलवाने की दी चुनौती। बिहार विधानसभा में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। खासकर लोजपा और भाजपा के रास्तों पर जहां भाजपा के वरीय नेता साफ तौर पर महागठबंधन में लोजपा के नहीं शामिल होने की बात कह रहे हैं, वहीं लोजपा प्रमुख बार बार बयान देकर के भाजपा के साथ होने की बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि भाजपा कह दे कि अगर जदयू के साथ आंकड़े नहीं आए तो लोजपा का समर्थन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार 100% नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई भी कितना प्रयास कर ले, मैं प्रधानमंत्री की बुराई क्यों करूं। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा नेता नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। पप्पू यादव की पार्टी ने एक ही जगह से उतार दिए दो उम्मीदवार। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक बिहार की राजनीति में उतरने के लिए बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने दरभंगा के गौड़ा बोराम में दो प्रत्याशियों को एक ही जगह से उतार दिया। पप्पू यादव ने पहले अपने एक कार्यकर्ता विश्वंभर यादव को इस क्षेत्र से सिंबल दे दिया। विश्वंभर यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। उनके पास पप्पू यादव ने डॉक्टर इजहार अहमद को भी टिकट दे दिया। डॉक्टर इजहार अहमद पहले भी विधायक रहे हैं। डॉक्टर इजहार अहमद ने उस सिंबल से सीट पर नामांकन दे दिया है। दोनों के फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। हालांकि अभी स्क्रूटनी होना बाकी है। यदि चुनाव में दोनों प्रत्याशी एक ही सिंबल पर उतरेंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। भारत में नवगठित प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और अपने आप को मुख्यमंत्री बता चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी ने अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी जारी किया। पत्र में उन्होंने बिहार में निष्पक्ष और शांत वातावरण में चुनाव करवाने के लिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बदसुलूकी और जबरदस्ती किए जाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने लेटर के जरिए राष्ट्रपति से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रेसिडेंट रूल के तहत विधानसभा कराने का निर्देश देने की मांग की है। यात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी राहत। कोविड-19 के माहौल के बाद पूर्व मध्य रेल के अनुरोध पर रेलवे बोर्ड ने दानापुर मंडल के पटना जंक्शन से गया के बीच सवारी गाड़ियों के परिचालन का फैसला करके यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले के अनुसार रविवार से अगले आदेश तक दो जोड़ी मेमू सवारी गाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारी ने बताया है कि ट्रेन में टिकट बुक की जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार एक बोगी में 100 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। ट्रेन संख्या 03212 गया पटना मेमू स्पेशल, यह गाड़ी 63246 गया पटना मेमू पैसेंजर की समय सारणी में ठहराव के साथ चलाई जाएगी और 8:30 बजे खुलेगी और 11:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं 03353 पटना गया मेमू स्पेशल, 63245 पटना गया मेमू पैसेंजर के समय सारणी के आधार पर चलाई जाएगी। जदयू का नीतीश सॉन्ग हुआ लॉन्च। राजद के बाद अब जदयू ने भी अपने नए गाने को लॉन्च कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जनता के सामने खुद को बेहतर प्रतिनिधि बताने की होड़ में खुद को बेहतर बताने के लिए नए नए गाने बनाकर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब नीतीश कुमार को लेकर एक नया गाना लॉन्च किया गया है जिसे सोशल मीडिया पर खूब सुना जा रहा है। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, लोगों की जुबान पर है और अब वो चढ़ने भी लगा है। राजनीतिक दलों के प्रमुख के बारे में इन गानों के माध्यम से उन्हें बेहतर प्रतिनिधि बताया जाता है और लगातार एक के बाद एक गाने आने से जनता भी संगीत का लुफ्त उठा रही है। आपको बता दें जदयू की तरफ से परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, नीतीश कुमार है, सारा बिहार है गाना घर घर तक जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस गाने को जदयू ने एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया है। हैदराबाद से रक्सौल तक चलेगी पूजा स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन। पूजा स्पेशल के लिए रेलवे ने हैदराबाद से रक्सौल के बीच में स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 22 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच में करवाया जाएगा। स्थानीय स्टेशन अधीक्षक मदन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि हैदराबाद से रक्सौल ट्रेन संख्या 07005 स्पेशल ट्रेन 6 फरवरी अप और 6 फरवरी डाउन में परिचालन करेगी। स्पेशल ट्रेन अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच हर गुरुवार को हैदराबाद से 22 से 29 अक्टूबर के अलावा 5, 12, 19 और 26 नवंबर को भी चलवाई जाएगी। यह ट्रेन गोंडिया सुबह के 9:40 पर पहुंचेगी और रांची से 12:45 पर समस्तीपुर दिन के 12:15 पर पहुंचेगी। वहां से दरभंगा कमतौल जनकपुर रोड स्टेशन के ठहराव करते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी। रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को भेजा न्योता। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म की तैयारी जारी है। वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने पिता के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए देश भर के नेताओं को न्योता भेजने का काम शुरू कर दिया है। 20 अक्टूबर को पटना में देश भर से नेता और पासवान के चाहने वाले जुटने वाले हैं। लोजपा नेताओं का कहना है कि श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मोदी मंडल के सभी मंत्रियों और सांसदों को न्योता भेजने का काम शुरू हो गया है। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी दी है।
बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली का 300 जगह पर होगा लाइव प्रसारण। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 23 को पहली रैली भागलपुर में आयोजित करवाई जाएगी। इसकी तैयारी और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी की समीक्षा को लेकर बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी सह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भागलपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था। हवाई अड्डे में बन रहे प्रधानमंत्री के मंच के पास जाकर उन्होंने भाजपा नेताओं से तैयारियों के बारे में पूछताछ भी की। यहां संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही 300 अलग अलग मैदानों या जगहों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। बोचहा विधायक बेबी कुमारी भाजपा में फिर हुई शामिल। बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान में अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल जबरदस्त प्रचार करने में जुट गए हैं। वहीं 23 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं दल बदल की राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है, जिसके तहत बोचहा विधायक बेबी कुमारी भाजपा में एक बार फिर से शामिल हो गई है। जिसके बाद उन्होंने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि बगावत करना मेरी भूल थी, मैं अपनी भूल को अब सुधारना चाहती हूं और भाजपा में वापस लौटकर चुनाव जीतना चाहती हूं। वोटिंग से पहले जदयू उम्मीदवार सुषमलता बनी मां। जगदीशपुर से जदयू उम्मीदवार सुषमलता ने चुनाव के पहले मां बनने का अवसर पाया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान अभिमन्यु की तरह चुनावी महाभारत में उनका साथ देगा। जदयू ने उन्हें उस समय सीट का टिकट दिया है जब वो गर्भवती थी। जगदीशपुर में पहले चरण में मतदान है और सुषमलता के खिलाफ मैदान में राजद के राम विशुन सिंह है और वो अभी यहां से विधायक भी है। वहीं आपको बता दें, सुषमलता जगदीशपुर के गांव में मुखिया भी हैं। पंचायत के विकास काम को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीशपुर से उम्मीदवार बनाया था। यह समाचार उस समय आया जब सुषमलता के पक्ष में जदयू के नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी समय सबने बताया कि काफी सुखद समाचार है। विधान परिषद चुनाव को लेकर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम में हुआ तब्दील। बिहार में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव का आयोजन भी करवाया जाना है, लिहाजा इसको लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर तैयारियों का आयोजन करवा रही है। बिहार विधान परिषद में पटना शिक्षक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव होना है और इसके लिए काउंटिंग और स्ट्रांग रूम के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को चुना गया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में विधान परिषद चुनाव के मतों की काउंटिंग करवाई जाएगी और यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाने का काम शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी मत पेटियां इसी स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी और इस सेंटर पर आयोग के निर्देश के मुताबिक मतगणना का आयोजन करेगा। परीक्षा भवन के ऊपर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का व्रजगृह और काउंटिंग होगा। अमित शाह के बयान पर AIMIM ने दिया जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों और साक्षात्कार के बाद AIMIM ने अपना जवाब जाहिर किया है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम नहीं कहना चाहिए, OVC के बारे में यह कहना ठीक नहीं है। इस बात पर बीते दिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि इनकी पार्टी को अमित शाह से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। उन्हें कौन क्या कह रहा है बताते चले कि राजद और कांग्रेस के नेता आए दिन AIMIM को भाजपा की टीम बी कहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह की समझ में उनके लोगों के बीच में काम आएगी, हमारे नहीं। राजद की पोस्टर से लालू राबड़ी के तस्वीर हटाने पर रविशंकर प्रसाद ने ली चुटकी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लौकहा विधानसभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार लक्ष्मेश्वर रॉय ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन सभा समारोह नरहिया में आयोजित किया गया था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, 15 साल पहले इसका पता नहीं चलता था। हमारे 15 साल के शासनकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्टर माता पिता की तस्वीर को गायब करने पर भी तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को पता है कि अगर बाबूजी की तस्वीर होगी तो उनके साथ उनकी पुरानी कहानी भी आएगी, जिसके बाद लोग वोट तो नहीं लेकिन ताने जरूर मारेंगे। पप्पू यादव ने बिहार में मोदी की नहीं बल्कि भूख की लहर होने की कही बात। बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, सभी दल के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए बयान के बाद राजनीति जोर शोर से बढ़ने लगी है। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में मोदी लहर है और इसका फायदा बिहार चुनाव में मिलेगा। इस पर ही जवाब देते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में मोदी नहीं बल्कि भूख की लहर है। उन्होंने कहा कि सोशल इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बिहार के लोग भूखे सो रहे हैं। इस सरकार में लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में मोदी जीरो पर आउट होने वाले हैं। इस बार बिहार की जनता नया विकल्प तलाश रही है।
रालोसपा ने जारी की तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रालोसपा ने तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव की वाल्मीकि नगर सीट के प्रत्याशी प्रेम कुमार चौधरी निषाद का नाम भी जारी कर दिया और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के RLSP प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि रालोसपा की तरफ से जारी किए गए सूची के अनुसार 25 उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह दी गई है। ज्ञात हो आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा इस बार हैदराबाद के सांसद AIMIM, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही है। चुनाव प्रचार के लिए भोजपुर पहुंचे मनोज तिवारी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भोजपुर पहुंचकर प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भोजपुर अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी भोजपुर पहुंचे थे। भोजपुर जिले में मनोज तिवारी ने NDA प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क का मुहिम भी चलाया, साथ ही एक सभा को संबोधित भी किया। शाहपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार मुन्नी देवी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में गाना गाकर लोगों से वोट देने की अपील भी की। मनोज तिवारी ने मौके पर जिया हो बिहार के लाला वाली थीम सॉन्ग पर वोटरों को न केवल मनोरंजन किया बल्कि सभी वोटरों से मुन्नी देवी को भारी से भारी मतों से जीत दिलवाने की अपील की। गूगल असिस्टेंट इस साल के अंत तक पेश कर सकता है ड्राइविंग मोड की झलक। गूगल ने पिछले साल स्मार्टफोन के लिए असिस्टेंट ड्राइविंग मोड पेश किया था। हालांकि अभी तक यह गूगल असिस्टेंट यूजर के लिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन ऐसी संभावना बनाई जा रही है कि इस साल के अंत तक गूगल असिस्टेंट यूजर के लिए लॉन्च किया जा सकता है। डेवलपर्स की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने कुछ एंड्रॉयड यूजर के लिए असिस्टेंट ड्राइविंग मोड को आंशिक रूप से सक्षम किया है। यह इंटरफेस पिछले साल गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए फीचर से अलग है। इसका उद्देश्य है कि यह आपको ड्राइविंग से विचलित हुए बिना चैट करने, संदेश देने और संगीत चलाने की अनुमति देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फीचर चुनिंदा यूजर के लिए परीक्षण का हिस्सा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता से गूगल लेट्स ड्राइव कहकर ड्राइविंग मोड को सक्रिय कर सकते हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म का गाना हुआ रिलीज। अक्षय कुमार की नई फिल्म लक्ष्मी का पहला गाना बुर्ज खलीफा रिलीज हो चुका है। अक्षय ने बुर्ज खलीफा का टीजर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि साल का सबसे बड़ा डांस ट्रैक बुर्ज खलीफा को शशि ने, डीजे खुशी और निकिता गांधी ने साथ मिलकर गाया है। इसके साथ ही शशि ने गाने को कंपोज भी किया है, वहीं गगन आहूजा ने गाने के लिरिक्स लिखे हैं। बुर्ज खलीफा नाम का यह गाना एक पार्टी सॉन्ग के गाने में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी अलग अलग लोकेशन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। गाने के नाम के जैसे बुर्ज खलीफा के कई शॉर्ट्स भी इसमें लगाए गए हैं। गाने के रिलीज होते ही फैंस लगातार कमेंट सेक्शन में अक्षय कुमार की तारीफ भी कर, एक ने लिखा कि यह गाना हिट है तो दूसरे ने लिखा कि यह साल का बेस्ट सॉन्ग और एक अन्य ने लिखा कि यह सबसे बड़ी पार्टी सॉन्ग होने वाली है। रबाडा ने बीच मैदान में किया फॉफ टू प्लेसिस को हग। इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 5 विकेट से हराया था। हालांकि दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था और मैच का नतीजा आखिरी ओवर में हुआ था। CSK की टीम की तरफ से फॉफ टू प्लेसिस ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 58 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान एक ऐसा पल भी आया जब रबाडा ने अपने देश के खिलाड़ी फॉफ को हग करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच मैदान पर बड़ा खेल देखने को मिला। यह वाकया चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान हुआ जब दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे। रबाडा ने ओवर के 5वीं गेंद डाली और डुप्लेसिस उस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेलते हुए बहुत तेजी से रन लेने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच रबाडा और फॉफ डुप्लेसिस एक दूसरे से टकरा गए जिससे फॉफ बीच मैदान में गिर पड़े, जिसके बाद रबाडा ने उन्हें उठाया और हग करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण कुमार, नंदकिशोर यादव, हर्षेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदारों की बढ़ती संख्या के कारण चुनावी समीकरण पर कोई असर दिखेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।